हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपीट एंड कैक पे स्वागत करता हूँ। एक और बार, जी हाँ, एक और बार हमारी जो न्यूज है वो 100% सही हुई है। अब तो मुझे काउंटिंग भी नहीं याद आखिर कितनी न्यूजेज हमारी 100% एक किसी साथ सही हुई हैं, इसकी गिनती तो मेरे पास नहीं है। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आखिर कितनी बार न्यूज़ देने के बाद उसका प्रूफ आपको दिखाया जाए ताकि आप चैनल पर विश्वास कर सकें, कितनी बार आपको प्रूफ दिखाया जाए ताकि आप चैनल को शेयर कर सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पर विजिट तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सच में मेरे दोस्त, ये बहुत ही दुखनीय है, स्थिति होती है। आपसे जो मोटिवेशन मुझे मिलना चाहिए वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर न्याय हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। क्योंकि हम बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, तो जो रियल बच्चा होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, वही हमसे जुड़ पाता है। क्योंकि हम दूसरों को खुश करने के लिए न्यूज़ नहीं देते हैं, तो अच्छे बच्चों की खासियत भी होती है कि वो जो बच्चे होते हैं अगर शेयर नहीं करते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शेयर जरूर कीजिएगा। वेल, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और प्रूफ दिखाएंगे, मुख्य सेविका का प्रूफ दिखाएंगे कि हमने जो न्यूज़ दी थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी। साथ ही साथ अगस्त और सितंबर में कौन कौन से और एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं और कौन सी प्रक्रिया कब हो सकती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल सके। और दोस्तों को शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके पर्सनल मैसेज मुझे आते ही रहते हैं, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए मैं बता दूं, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें वीडियो का शॉर्ट क्लिप है, लगभग 10 सेकंड का है, आप लोग उसको विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे प्रूफ दी जाएगा। बाकी 13 दिन पुराना वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि जम्मू की सेविका है, इसका जो रिजल्ट है आपका, माफ़ कीजिएगा, जो इसका एग्ज़ाम है सितंबर के लास्ट में, यानी कि लास्ट संडे को होने के चांसेज है, ये मैंने वहाँ पे बताया था। साथ ही साथ उसकी शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बताया था कि अगस्त में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। हालांकि शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में एग्जैक्ट डेट मैंने नहीं बताई थी क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूज़ भी 13 दिन पुराना होता है, 13 दिन पुराना था, और एग्जैक्ट न्यूज़, एग्जैक्ट डेट जो है ये आपका बाद में डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो एग्जैक्ट डेट है वो आज ही डिसाइड हो गया है कि कब क्या होना है, ठीक है। और हम कोई धर्म शास्त्र तो है नहीं जो हम इसे देख के आपको बता दें, जो चीज़ें होती हैं हम उन्हीं के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। आप ये समझिए, जब बादल बनेगा, ठीक है, जब बादल बनेगा बरसात तभी होगी, तो बादल तो बनने दीजिए फिर बरसात हम करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो इसके बारे में मैंने 4 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। आप लोग में से बहुत से बच्चों की शिकायत होगी कि उन्हें कम्युनिटी पोस्ट नहीं पहुँचता है, कारण ये होगा उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वरना तो कम्युनिटी पोस्ट जरूर पहुँचता, और अगर सब्सक्राइब किया भी होगा तो जो बेल आइटम है उसको नहीं दबाया होगा, इसलिए उन तक कम्युनिटी पोस्ट नहीं पहुँचता होगा। तो आप लोग उसको ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट अगर कभी भी दिखाई दे तो उसको लाइक कर दे कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका, क्या कहते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पहुँचाने में, वरना कम्युनिटी पोस्ट पहुँचेगा नहीं। तो इसको आप लोग ऑन कर दीजिएगा और कम्युनिटी पोस्ट को लाइक करते रहिएगा। तो अब हम बताएंगे कि यहाँ पे कि अगस्त में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। 4 दिन पहले मैंने बताया था, उसी को मैं रिवाइज़ करूँगा। तो मुख्य सेविका की शॉर्ट लिस्टिंग बताया था, ये तब का हो गया। अब है आपका बोर्डिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट। तो अब आपका नेक्स्ट जो टारगेट है ये बोर्डिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट ही है, ये भी आपका जल्दी आ जाएगा, हो सकता है आपका 1 वीक, जी हाँ, विद इन 1 वीक आपका ये भी रिजल्ट देखने को मिल जाए साइट पर। और DV नोटिस जो है ये तो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये भी न्यूज़ हमारी सही हो गई है। अब एक और चांसेस जो बन रहा है वो है वीडियो का आंसर की, वीडियो री एग्जाम का आंसर की, ये भी आपका इसी महीने में आ सकता है, वरना ये 10 सितंबर तक आ सकता है। इसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। एक और चीज़, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखा हो तो आप लोग ये शिकायत करें कि सर फॉरेस्ट गार्ड के बारे में आपने बताया था कि इसका जो रिजल्ट है ये अगस्त में आ जाएगा, तो शायद बच्चे आप इसकी शिकायत करें। तो मैं आपको बता दूँ कि चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं, और इसकी भी अपडेट हमने आपको यहाँ पे दे दी है, ऑलरेडी दे दिया कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि क्या क्या सुधार हुआ था। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल के बारे में बता दिया था कि ये जो है आपका सितंबर में संभावित है, और वन दरोगा का रिजल्ट जो है ये भी सितंबर में संभावित है, और कंबाइंड टेक्निकल का, जी हाँ, बोरिंग का तो आपका इसी महीने आ रहा है लेकिन कंबाइंड टेक्निकल का जो है सितंबर में आने की
संभावना है, और लेखपाल की डीवी भी हमने बताई थी कि ये भी सितंबर में संभावना है जो कि आपकी 19 तारीख से लग चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि समय के साथ आते जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हमारी जो न्यूज़ है हर एक न्यूज बिल्कुल सही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो बस एक काम कीजिए, जस्ट वेट, ठीक है, बस आप वेट कीजिए और रिजल्ट को आप लोग वाच करेंगे कि हमारा जो न्यूज़ है 100% सही हुई है। सितंबर में एक और न्यूज़ हमने दी थी, सितंबर में जो होगा वो यूपीपीएससी एजुकेट 2 असिस्टेंट की ज्वाइनिंग होगी, और मेरी उम्मीद है कि ये 20 तारीख तक आपका होने के चांसेस है, मैक्सिमम 25 तक जाना चाहिए अगर सभी चीज़ें साथ चलते रहें तो। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं इसको आपको अपडेट करता रहूँगा अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या फिर किसी वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन बच्चों को आ सकता है कि अगस्त में अभी कुछ और भी चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट 1262 की बच्चों के डाउट्स हैं इसके कब आएंगे एडमिट कार्ड। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एडमिट कार्ड का जारी करने में जो यूपीपीएससीएल है बहुत ही डिले कर रही है अक्सर अब जो एग्ज़ाम करवा रही है उसमें, तो इसका जो एडमिट कार्ड है ये 21 अगस्त तक जो है इसका जो रिजल्ट एडमिट कार्ड है ये जारी किया जा सकता है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है कि जो एग्ज़ाम होगा ये आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में जो इसका एग्ज़ाम है ये हो सकता है, साथ ही साथ एक और शहर इसका रहेगा एग्ज़ाम सेंटर, और हो सकता है कि वो शहर आपका आगरा हो, एग्जैक्ट इसका जानकारी नहीं है। ये आपका जो है पश्चिम साइड में ही होगा, लेकिन कौन सा होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका जो शहर है ये आगरा हो सकता है या फिर हो सकता है कि मथुरा हो, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन आगरा होने चांसेस ज़्यादा है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अभी आपका जो है 2 सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, आई थिंक सभी न्यूज़ शेयर हो गया है, और बहुत से बच्चों के एक और डाउट आ रहा है कि कब आपका बीपीयू, ठीक है, बीपीयू का एग्ज़ाम होगा, और एक और डाउट है कि पेट 2023 का एग्ज़ाम कब होगा। तो पेट 2023 और बीपीयू दोनों जो है आपके नवंबर में होने के प्रस्तावित हैं, प्रस्तावित नहीं है माफ़ कीजिएगा, नवंबर में होने के चांसेज हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम हो। अब कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा इसके बारे में अभी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा कि मैं धर्मशास्त्री या फिर कोई भविष्य को देखने वाला वक्ता नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भविष्य को नहीं दे सकता। बाकी आप लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पेट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा, इसमें आज रात के 12 बजे तक 10% का डिस्काउंट है, और ये कोर्स जो है आपको 90 रुपये मिलने वाला है। इस कोर्स की क्या खासियत है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें आपको टॉपिक वाइज, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिंध घाट की सभ्यता टॉपिक है, तो सिंध घाट सभ्यता का जो एक वीडियो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि हमारे द्वारा ही बनाई जाएगी, फिर इसका हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सिंध घाट की सभ्यता से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन सिंध घाट सभ्यता से बन सकते हैं उनका एमसीक्यू के माध्यम से आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि ये जो तीनों चीज़ें हैं इन तीनों चीज़ों करने के बाद आपको वो टॉपिक 100% तैयार हो जाए। आप समझ रहे होंगे कि अगर पेट के एग्ज़ाम में आपका, ठीक है, अगर पेट का सिलेबस को अगर आप लोग पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लें तो आराम से 80+ 85+ स्कोर कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने भी पेट 2021 और पेट 2022 दोनों में बहुत ही अच्छा स्कोर आप कह सकते हैं किया हूँ, जैसे पेट 2022 में मेरा जो स्कोर था 88 था, और परसेंटाइल देखा जाए तो 99.97 परसेंटाइल था, ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी सारी चीज़ें जैसे रोज़ाना 50-50 क्वेश्चंस की जो है ये क्विज कराई जाती है, और ये जो है पूर्णतः आपके पेट के जो तरीका है एग्जाम लेने का पीडब्ल्यूसी का उसी तरीके से कराई जाती है, जैसे आपका करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के 5 आपका जो होगा पॉलिटिक का होगा, 5 जो है आपका इकोनॉमिक्स का होगा, इट मीन्स टोटल वही पैटर्न है जो आपका पेट के एग्जाम में आता है, तो इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही हो, ज्वाइन कैसे करेंगे पहले मैं इसको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए @amangiri007, या फिर सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 6309755839 पर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वायरी पूछ सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जी हाँ, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस पर कॉल कीजिएगा, अदरवाइज आपको कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ठीक है।
तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा, और हाँ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपके दोस्त भी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आप उनको शेयर जरूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट करने के लिए शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बने और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।